हेलो एवरीवन, कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था सेल बायोलॉजी यूनिट सेकंड में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि सेल बायोलॉजी का आपका लास्ट टॉपिक था। आज हम बीएससी थर्ड फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत आपका जो न्यू टॉपिक है, जो कि जेनेटिक्स के अंतर्गत है, यानी यूनिट थर्ड, इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं उसके स्ट्रक्चर को हमें डिस्कस करना है, उसके टाइप्स को पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम शब्द की, यानी जो क्रोमोसोम इज ए ग्रीक वर्ड। तो जो क्रोमोसोम्स है एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, क्रोम, क्रोम का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी, मतलब ऐसे न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले ऐसे थ्रेड या रेटिकुलम जो कि कलर्ड बॉडी होते हैं, क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी की, यानी इसकी खोज की। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट इन महीन धागों को क्रोमोसोम्स नाम डब्ल्यू बाल्डेयर ने 1888 में दिया था, यानी जो डब्ल्यू बाल्डेयर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1888 में क्रोमोसोम्स नाम दिया। किनको ने दिया, जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट थे। इनके अनुसार क्रोमोसोम्स सभी जीवों में आनुवंशिक वाहक का कार्य करते हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो जितने भी जीव हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करते हैं, या जेनेटिक मटेरियल का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हॉपमिस्टर। हॉपमिस्टर ने इन्हें सर्वप्रथम 1848 में देखा था, यानी 1888 में डब्ल्यू बाल्डेयर ने न्यूक्लियस में देखा, 1848 में हॉफमिस्टर ने इन्हें सर्वप्रथम देखा था। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, यानी क्रोमोसोम सेल के केंद्रक में पाए जाने वाले अत्यंत महीन पतले धागे हैं, जिनमें सेल्फ रेप्लिकेशन यानी स्वेता द्विगुणन करने की क्षमता होती है, तथा जो आनुवंशिकता उत्परिवर्तन तथा वेरिएशन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये स्पसीज टू स्पसीज वेरी करते हैं, यानी जितनी भी स्पसीज होती हैं उनमें इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, मतलब एक में 22 होगी तो दूसरे में 24 हो सकती है। एक स्पसी के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें वो कॉमन होगी, लेकिन अदर स्पसीज में चेंज होगी। अगर इनके नंबर्स की बात करें तो मिनिमम नंबर 2 होता है, जो कि कॉन्स्टेंट होता है फॉर ए पर्टिकुलर स्पसीज, यानी सिंगल फॉर्म में कभी नहीं मिलेंगे। जो भी एनिमल्स होंगे उनकी जो जीवी जातियाँ होंगी उनमें इनकी जो मिनिमम संख्या होगी वो 2 होगी। एस्केरिस मेगालोसिफेला इसका एग्जाम्पल है, जिसमें मिनिमम क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2 हैं। और जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है वो
उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 48 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी जीनस आपका एक ही है एस्केरिस, लेकिन उसमें इसकी स्पीसीज जो है उसमें वेरिएशन है। जब स्पीसीज में वेरिएशन है तो उनके क्रोमोसोम्स में भी वेरिएशन है। यहाँ पर यानी मेगालोसेफेला में आपके 2 क्रोमोसोम्स हैं, ओलम्बिकॉइड्स में 48 क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरीकृत फॉर्म में होते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें जाए तो 1600 क्रोमोसोम पाए जाते हैं मैक्सिमम फॉर्म में, जो किसमें मिलते हैं रेडियोलेरन प्रोटोजोन्स में। रेडियोलेरन लार्वी होती है प्रोटोजोन्स, उसके अंदर ये 1600 नंबर तक होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम, यानी इसके टाइप्स एंड आकृति के बारे में बात की जाए तो संरचना तथा सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम्स 4 प्रकार के होते हैं। यानी इसके स्ट्रक्चर तथा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट सेंट्रोमियर के आधार पर अगर बात की जाए तो क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। नंबर 1 टीलोसेंट्रिक, इस प्रकार के क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर छोर की तरफ स्थित होता है, यह आई शेप्ड होते हैं। यानी अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आई होता है आई शेप ये होते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें तो जैसे ये चौक है और ये इसका येलो वाला सेंट्रोमियर, इस तरीके से यानी आई शेप ये इसकी फॉर्म होती है। नेक्स्ट एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक की बात की जाए तो इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर सब मेटासेंट्रिक पोजीशन में होता है, जो कि सब टर्मिनल फॉर्म होती है। यह क्रोमोसोम्स छड़ के आकार के होते हैं तथा इनकी एक भुजा लंबी तथा दूसरी भुजा छोटी होती है। यानी जो एक्रोसेंट्रिक होंगे उसमें सेंट्रोमियर दो भुजाओं के यानी एक बड़ी वाली भुजा तथा छोटी वाली भुजाओं के बीच में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक की बात की जाए तो इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य बिंदु से कुछ हटकर अतः दोनों भुजाओं के लंबाई असमान हो जाती है, यह एल या जे शेप्ड होते हैं। मतलब जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं उसमें क्या होता है इसकी एक भुजा बड़ी होती है तथा दूसरी भुजा उससे छोटी होती है, जिससे इसकी आकृति यानी इन दोनों भुजाओं के मध्य में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। जब सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है तो जो इनकी शेप बनती है वो आपका जे शेप यानी जो कैपिटल जे होता है उसकी से आकृति में या फिर एल शेप दिखते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप यानी मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक की बात की जाए तो इस टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें जो सेंट्रोमियर होगा दोनों आर्म्स के मध्य स्थित होता है। यानी जो दो आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम्स में उनके बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है, जिससे इसकी शेप बी यानी जो कैपिटल बी होता है उसकी आकृति की तरफ दिखती है। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली संरचना के रूप में देखें तो इसकी जो चारों टाइप्स हैं उनकी रचना कुछ इस तरीके से दिखती है। ये आप देख पा रहे हैं आई शेप जो कि ट्यूलोसेंट्रिक फॉर्म है, इसमें आप देख पा रहे हैं
यानी जो एक आर्म्स है आर्म्स के दूसरे छोर पर सेंट्रोमियर पर जेंट है, तो इससे इसकी शेप्ट कैसी हो गई, आई शेप्ट। उसके बाद सेकेंड जो है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में आप देख रहे हैं एक ये भुजा काफ़ी बड़ी है, दूसरी भुजा काफ़ी छोटी है, लेकिन जो दोनों भुजाएं हैं उनके बीच में सेंट्रोमियर पिजेंट है, तो ये कौन सी टाइप हो गई, एक्रोसेंट्रिक। अब बात करते हैं आपकी थर्ड टाइप सबमेटासेंट्रिक। सबमेटासेंट्रिक में होता क्या होता है, इसमें एक भुजा तो बड़ी होती है लेकिन दूसरी भुजा बड़ी भुजा की तुलना में कुछ छोटी होती है, लेकिन टीलोसेंट्रिक में एक भुजा बिल्कुल छोटी होती है और दूसरी बड़ी होती है, लेकिन सबमेटासेंट्रिक में एक बड़ी और एक उससे थोड़ा छोटी। इन दोनों भुजाओं के मध्य में सेंट्रोमीडिया प्रेजेंट है, तो जिससे इसकी शेप कैसी दिख रही है, जे शेप्ड। दूसरी फॉर्म कैसी दिख रही है आपकी, एल शेप्ड, यानी जो एल आकृति होती है, एल लेटर जो होता है उसकी तुलना में, जैसे एल में एक भुजा उसकी बड़ी होती है दूसरी छोटी होती है, तो उसके शेप में ये दिख रही है, सब मेटासेंट्रिक फॉर्म है। इसी प्रकार से अपना जो फोर्थ टाइप है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में आप देख पा रहे हैं ये दो भुजाएं हैं दोनों एक समान हैं, दोनों के मध्य में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, जिससे इसकी शेप कैसी दिख रही है, बी शेप, जो विक्ट्री वाला बी होता है उसकी आकृति में इसकी शेप दिखती है। तो जो आज हमने पढ़ा टाइप्स में, चार टाइप्स, टीलोसेंट्रिक, एग्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक, इसके अलावा जो हमने बात की नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो स्पीशीज हैं एनिमल्स की उनमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो कितनी होती है। नेक्स्ट इसके बाद हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, उसके बाद डिस्कवरी, कल हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे।